मेरा गलती हो गया कि मैं सवर्ण जाति का हूँ, मेरी गलती हो गई कि मैं ब्राह्मण पैदा हुआ हूँ, मेरी गलती हो गई कि ब्राह्मणों को वोट लिया जाता है बीजेपी के। हाय, मेरा नाम शांतन चौधरी है और मैं बिहार दरभंगा से हूँ। आप लोग मुझे बाइक्स वे यूट्यूब चैनल से जानते होंगे। मैं बाइक्स वे यूट्यूब चैनल पे होस्ट हूँ, जिसपे आज से लगभग 10-15 दिन पहले से, यानी कि लगभग 4 या 5 मार्च के बाद से मैंने बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ डाले हैं लैंड माफियाज़ के खिलाफ दरभंगा बिहार के अंदर, जिससे कि लैंड माफिया और यहाँ की जो लोकल पुलिस है वो मेरे से नाराज़ है। और लोकल पुलिस यानी कि सदर थाना दरभंगा, जिस हिसाब से मैं उनके लिए वीडियो डाल रहा हूँ, जो मैं उनको एक्सपोज कर रहा हूँ, जिस हिसाब से मैं उनके प्रूफ्स और मतलब हर एक चीज़ के साथ, साक्ष्य के साथ उन लोगों के बारे में वीडियोस डाल रहा हूँ यूट्यूब पे और इंटरनेट पे, वो लोग इस बात से टोटली नाराज़ हैं। और सिर्फ नाराज़ ही नहीं, वो षड्यंत्र रच के मुझे किसी भी झूठे केस में फंसा के जेल भेज सकते हैं। और ये पब्लिकली अब आ गया है बात कि वो लोग मुझे अरेस्ट करने वाले हैं या किसी झूठे केस में फंसाने वाले हैं। इलेक्शन के टाइम में अक्सर आप लोग देखते होंगे दो चीज़ों की बरामदगी होती है, एक तो गन की और एक कैश, पैसा की, फिर कुछ नशीली पदार्थ जैसे कि शराब, और फिर यहाँ पे ड्राई स्टेट है बिहार। किसी भी तरीके से झूठे केस में मुझे फंसाया जा सकता है। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करना चाहूँगा कि मैंने जो आवाज़ उठाया है गलत लोगों के खिलाफ, मैंने पुलिस डिपार्टमेंट को कभी बदनाम नहीं किया है। हमेशा मैंने यही बोला है कि अगर आपके पुलिस डिपार्टमेंट में कोई ऐसा आदमी जो कि कॉमन पब्लिक के साथ न्याय नहीं कर रहा है और अन्याय कर रहा है उल्टा, तो उसको देख के पुलिस डिपार्टमेंट उस पर संज्ञान ले, उस पर कोई कार्रवाई करे, एक एग्जाम्पल सेट करे। दरभंगा पुलिस या बिहार पुलिस हमेशा इंटरनेट पर एक्टिव रहती है कि आपकी सेवा में, हमेशा मतलब पब्लिक को बोलती है कि आपकी सेवा में, बट जब वही दरभंगा पुलिस एंड बिहार पुलिस को मैं गुहार लगा रहा हूँ, टैग कर रहा हूँ, इतने सारे टैग और मेंशंस जा रहे हैं, वो लोग उस चीज़ को नहीं देखते हैं। एसएसपी जगन्नाथ रेड्डी सर से भी मैंने इन पर्सन जाके कंप्लेंट किया था इस बात के लिए कि मुझे गलत तरीके से डिटेन किया गया, उठाया गया, जबकि मेरे पर कोई केस नहीं था, जबकि मुझे कोई अरेस्ट वारंट नहीं दिखाया गया, मुझे थाने ले जाकर ऐसे ही छोड़ दिया गया पीआर बॉन्ड भरवा के, मुझे माँ को लगाकर गंदी गंदी गाली दी, मुझे मारा, मेरे साथ मारपीट किया, हर एक चीज़ किया, तभी मैं शांत हूँ। और मैंने उसको बस एक एक प्लेटफॉर्म पर रखा, क्योंकि आप पब्लिक हैं और आप ही देख लीजिए कि कौन सही है कौन गलत है। मैं कोई जज या मजिस्ट्रेट नहीं हूँ, मैं किसी को गलत साबित कर सकता हूँ, बट जितने साक्ष्य हैं हमारे पास, इससे ज़रूर मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि पुलिस माफियाज दोनों मिले हुए हैं। और अब मुझे इस बात का शंका है कि मेरे या मेरे फैमिली के किसी भी मेम्बर को ये लोग किसी भी गलत केस में फंसा के जेल भिजवा सकते हैं, और ये सब पब्लिक के सामने हो रहा है। तो मैं बस यही बोलूँगा आप लोगों को कि अगर मैं अंदर जाता हूँ कभी भी, अगर मुझे जेल होती है किसी भी गलत केस में, तो आप लोग मेरा साथ मत छोड़ना। मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी मम्मी का इलाज चलता है, पापा बीमार हैं, और मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोलूँगा। 4 साल मैं हार थक गया तब मैंने वीडियो डाला है, और इसको पर्सनली लिया जा रहा है। अमृत कुमार शाह पर्सनली इसको ले रहे हैं, यहाँ के MLA संजय सरावगी से मैंने ये बात ये शेयर की थी कि सर ये लोग गलत कर रहे हैं हमारे साथ, उन्होंने भी मेरी कोई मदद नहीं की। और जितने एडमिनिस्ट्रेशन में जितने लोग हैं सबको हमने बाई, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ मौखिक में बता रहा हूँ, बाई लेटर लिख के हर जगह कंप्लेंट किया है कि पुलिस वहाँ मिली हुई है, पुलिस और CO के मिली भगत से ये सब चीज़ हो रहा है। जो सामने वाली पार्टी है उसके पास फॉल्स म्यूटेशन किया गया उसका, ये सब चीज़ का प्रूफ है, ऐसे मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूँ। और तब जाके अगर मेरे खिलाफ, अगर मैं कहीं भी अरेस्ट होता हूँ, आप समझ लेना कि ये लोग गलत केस में फंसाए गए। कल रात में मुझे कॉल आया सुजल या साजन यादव नाम से, जिनका ये कहना था, वो सकरी से बिलोंग करते हैं, और उन्होंने मुझे फ़ोन पे ये बात बताई कि जो अमृत कुमार शाह हैं SHO, वो सकरी थाना में पहले थे, जो कि वो थे मधुबनी सकरी थाना में, और उस आदमी को अमृत कुमार शाह ने पर्सनल मतलब दुश्मनी लेकर किसी चोरी के केस में गलत तरीके से इंजाम लगा के जेल भिजवाया था। मुझे आशंका है कि ये लोग मेरे साथ भी ऐसा कुछ कर सकते हैं, या मेरे परिवार के किसी भी मेम्बर्स के साथ कर सकते हैं। मेरे पापा बीमार हैं, अगर मेरे साथ ऐसा कुछ होता है तो अब आप लोग देख लो, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। ये सब MLA MP सब देख रहे हैं इसको, लेकिन मतलब ब्राह्मणों को ना इस तरीके से सताया जा रहा है आज के रेट में। मेरा गलती हो गया कि मैं सवर्ण जाति का हूँ, मेरी गलती हो गई कि मैं ब्राह्मण पैदा हुआ हूँ, मेरी गलती हो गई
कि ब्राह्मणों को वोट लिया जाता है बीजेपी, मेरी गलती हो गई, मैं लाठी चलाना नहीं जानता हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं लड़ाई करना नहीं जानता हूँ, मैं न्याय का रास्ता एक एडमिनिस्ट्रेशन से हेल्प मांग रहा हूँ पिछले 4 साल से, और ये लोग अल्टीमेटली अब मुझे फंसाने पर लग गए हैं। ये पब्लिक में बात है कि ये लोग मेरे ऊपर केस करेंगे और मुझे झूठे केस में अंदर डलवाएंगे। अब अगर देख सकते हैं, कोई टैग कर सकते हैं किसी को, बीजेपी लीडर को, क्योंकि हम लोग बीजेपी को वोट देते थे।